हेलो गाइस, आज मैं मिट्टी से एक राइनो बना के दिखाऊंगा आप लोगों को। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर से मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है विश्वनाथ पाल 95, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगा। तो गाइस देखिए, यहाँ पर ये जो हमारा जो स्ट्रक्चर है बेसिक सा, ये मैंने बना लिया है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने चार जो लोहे का कील है उसकी मदद से ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है बहुत सिंपल तरीके से। तो गाइस देखिए, यहाँ पर अभी ये जो स्ट्रक्चर है इसमें मैं थोड़ा पानी देता हूँ ताकि जो मिट्टी है ये अच्छी तरह से इस स्ट्रक्चर के साथ लग जाए, ठीक है। तो देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, पहले हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है इसको अच्छी तरह से मिट्टी से पूरा भर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो क्ले टूल्स मैंने ले लिया, सबसे पहले मैंने आपको दिखाया, उस क्ले टूल्स की मदद से मैं इसको अच्छी तरह से मेजरमेंट करूँगा। तो गाइस, जो क्ले टूल्स मैंने आपको दिखाया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। अगर आप भी चाहते हो वो क्ले टूल्स खरीदना तो आप उस लिंक पर जाके अमेजोन से वो खरीद सकते हैं, ठीक है। और ये जो मिट्टी मैं यूज़ कर रहा हूँ ये नेचुरल क्ले है, मतलब हमारे नेचुरल में जो मिलता है मिट्टी हमारे आसपास ज़मीन पर, ये वही मिट्टी है, ठीक है। तो इस मिट्टी को मैंने कैसे रेडी किया है उसके लिए भी एक वीडियो मैंने बनाया है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। आप अगर वो वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप भी समझ जाएंगे कि नेचुरल क्ले कैसे रेडी करते हैं, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो देखिए, पहले हम ये जो स्ट्रक्चर है इसमें अच्छी तरह से मिट्टी से भर देते हैं, जहाँ पे पैर होगा, बॉडी होगा, ठीक है, जहाँ पे राइनो का सर होगा, ये सब पहले हम अच्छी तरह से कर देते हैं। उसके बाद जो क्ले इंस्ट्रूमेंट है उससे हम इसको अच्छी तरह से मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। देखिए, अभी ये बिल्कुल एक जो बियर होता है ना, पोलर बियर वैसा लग रहा है देखने में, ठीक है। जब भी हम इसका जो हेड है वो करेंगे सर, तब जाके ये राइनो जैसा लगेगा दिखने में, ठीक है। राइनो जो होता है ना, उसके बॉडी का जो चमड़िया होती है वो थोड़ी अलग होती है दूसरे जानवरों से, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि मानो उसके बॉडी के ऊपर कोई जो मतलब ड्रेस होता है वो पहना हुआ है, ठीक है, मोटे जो कपड़ा है ऐसे लगता है दिखने में। तो और जो गेंडा होता है मतलब राइनो, इसके फेस के ऊपर एक सिंग होता है, मतलब हमारा जो इंडियन राइनो होता है, इंडियन राइनो का जो सिंग होता है वो एक ही होता है, ठीक है। तो देखिए, मैं वैसे ही इसका फेस, सिंग, इसका कान, ये सब मैंने अभी दे दिया है। और अभी जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि गेंडे के बॉडी में जो खाल होती है वो कुछ ऐसा होता है कि मानो कि वहाँ पर एक मोटा सा कपड़ा रख दिया है। तो अभी इसका मेजरमेंट मैं उसी तरीके से करूँगा, ठीक है। तो देखिए, अभी हमारा जो क्ले टूल्स है वो मैंने ले लिया है, ठीक है। इसकी मदद से जो छोटे छोटे जो काम होता है ना, मतलब जहाँ पे हमारा उंगलियाँ नहीं पहुँच पाता वहाँ पर हम इस क्ले टूल्स की मदद से उसको करेंगे, ठीक है। मतलब आप जब भी कोई क्ले स्कल्पचिंग करते हो तो उसके लिए आपको ये क्ले टूल्स आपको ज़रूर चाहिए, ठीक है। मतलब इसके बिना आपका जो काम है वो अच्छी तरह से आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से अभी जो राइनो है इसके बॉडी का जो खाल है ये मैं अभी इस तरह से
कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी एक मेजरमेंट के अंदर ही आता है। तो अभी जब तक हमारा जो मेजरमेंट है वो सही तरह से नहीं हो जाता, तब तक हम इसको क्लीनिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए चलिए इसको अच्छी तरह से, इसका जो मेजरमेंट है वो हम कर देते हैं। तो देखिए, मैंने अपने हाथों में एक बहुत ही अच्छा सा क्ले टूल्स ले लिया है, लकड़ी का। इसकी मदद से इसका जो फेस है, फेस का मेजरमेंट, बॉडी का मेजरमेंट, ये सब यहाँ पे मैं कर देता हूँ। तो गाइस, अब भी जब ऐसे कोई क्ले राइनो बनाएंगे तो उससे पहले इंटरनेट पर आपको बहुत सारा राइनो का तस्वीर मिल जाएगा, उसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, या फिर आपके सामने भी वो तस्वीर रख के आप उसको बना सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही आसानी होती है और ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो गाइस देखिए, अभी हमारा जो मेजरमेंट है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। मतलब अभी हमारा जो राइनो है उसका मेजरमेंट सही हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए अभी हम देखें क्या कर रहे हैं, इसको क्लीनिंग कर रहे हैं, ठीक है। अपने हाथों में थोड़ा सा पानी ले लिया है और उस पानी की मदद से मैं इसको क्लीनिंग कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारा लोग ये कमेंट करते हैं कि ये जो लिक्विड है आपके हाथों में या फिर ब्रश में, ये क्या है, मतलब ये ग्लेज देता है। तो इसीलिए ये पानी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी ये कच्ची मिट्टी है, इसीलिए इसके ऊपर जो पानी जब गिरती है, मतलब हम जब पानी देते हैं तो ये थोड़ा ग्लेजी होता है, लेकिन बाद में ये सूख जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का ये गलतफहमी होती है कि इसमें मैं कोई केमिकल या फिर कोई दूसरा चीज़ यूज़ करता हूँ, तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ पानी है, ठीक है। तो देखिए, इस पानी की मदद से मैं इसको अभी क्लीनिंग कर रहा हूँ, और अपने हाथों से मैं इसको क्लीनिंग कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे हमारा उंगली नहीं पहुँच पाता, ठीक है, उसी जगह पर मैं इस ब्रश से क्लीनिंग कर रहा हूँ। एक छोटी सी ब्रश है, तो इस ब्रश को मैं पानी में डुबो कर इसको अच्छी तरह से मैं क्लीनिंग कर रहा हूँ। तो देखिए, हर साइड में मैं इस तरह से मैं इसको क्लीनिंग कर दिया। और ये जो क्लीनिंग है, क्लीनिंग कर देने के बाद हमारा जो राइनो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
हम बाद में इसको फाइनली एक बार देख लेंगे, उसके बाद हमारा ये जो राइनो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए अभी हमारा जो मिट्टी का एक छोटा सा राइनो है ये कंप्लीट हो गया है। तो गाइज़ ये रही हमारी क्ले राइनो। देखिए इसको बनाने में मेरे को 4 घंटे लग गए। आप तो इस वीडियो को मतलब 10-12 मिनट में देख लिए, लेकिन इस राइनो को बनाने में मेरे को करीब 4 घंटे लग गए। तो इसीलिए आपको अगर आज की ये राइनो मेकिंग अच्छा लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही क्ले स्कल्पचिंग रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर मैं लाता रहता हूँ। तो गाइज़ इसीलिए इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है जरूर से जाकर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।